गांव में बिकती है अवैध शराब, बच्चे पी रहे हैं देशी शराब के प्लेन और लाल के पुए। रमखीरिया ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने शाहपुरा थाना टीआई को सौंपा ज्ञापन। ग्रामीणों का कहना है कि हमारे ग्राम रमखीरिया में अवैध शराब बेची जा रही है, जिसके चलते 10 से 12 साल के बच्चे शराब पीने के आदि हो गए हैं। जहां शराब पीने के चलते घरेलू महिलाएं परेशान हैं, वहीं ग्राम में आए दिन लड़ाइयां भी होती है। वहीं पर रमखीरिया ग्राम के लोगों ने शाहपुरा थाना पहुंचकर थाना टीआई को ज्ञापन सौंपा है। ग्राम रमखीरिया और हर एक गाँव परेशान है। कई बार अभी भमकी से भी बहुत लोग आए थे, साहब को भी उनने ज्ञापन दिया था। और ये शराब का जो इस तरह का चलन चला है गांव गांव में कि बहुत ज़्यादा लोग त्रस्त हैं, वहाँ जो शरीफ लोग जी नहीं पा रहे, वहाँ महिलाओं को इतनी ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है, जिससे कि लोग आए दिन इतना परेशान होते हैं। आज सभी युवाओं ने ये सोचा कि रमखीरिया के सभी वर्ग आए हैं आज यहाँ पर टीआई महोदय के पास कि भैया इस पर रोक लगाएं, क्योंकि ठेकेदार तो ऐसे पागल हो गए हैं कि ज़बरदस्ती गांव गांव दारू बेच के बेचकर और आज खुलेआम लड़कों के लिए बिगाड़ने की दिन रात कोशिश करते हैं। तो इस तरह से अगर पैसा मध्य प्रदेश सरकार हो चाहे कोई सरकार हो, इस तरह का काम बंद होना चाहिए कि गांव-गांव चलो भाई शराब अपनी खोले हो, सैपला में तो खुली रहे, परंतु गांव-गांव में और अतिरिक्त शराब खोल दी हैं, कई जगह पर रोडों पर खोल दी हैं। इसका हम लोग बहुत जम से विरोध करते हैं। अभी तो रमखीरिया और भमकी कई गांव के लोग आए थे और आज रमखीरिया के लोग आए हमारे गाँव के हैं, तो हम सोच रहे हैं कि अभी टीआई साहब ने कहा है कि गाँव में आप बैठक करें और वो आज ही से वहाँ पर जा छापा पर डालेंगे, इसके बाद भी जो पिए बेचेगा उसकी कड़ी कार्रवाई की जाएगी और रोकने का प्रयास। तो गांव में एक अभियान भी चलाया जाएगा जो पुलिस से और गांव के सहयोग से जो चल रहा है हर जगह नशा मुक्ति का, तो अपन ऐसा प्रयास करेंगे। जंग बहादुर सिंह, समाजवादी सह प्रवचौनी। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए इंडिया खबर 24 न्यूज चैनल को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही ताजा तरीन खबरों की तमाम नोटिफिकेशन अपने मोबाइल फोन पर पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।